2 किलोमीटर का अप्रोक्स पड़ेगा है। और आप यहाँ पे अगर आपको टाइम अगर मिलता है रेलवे स्टेशन से आपको टिकट अगर दिन में अगर 6-7 घंटा लेट है तो एक बार आप घूमने जरूर आए। ये मेरी खास पेशकश है और मैं आपको ले सकता हूँ अभी। और भी जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ बिग गेम के माध्यम से जो हवाएं चलती हैं। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आया था तो देखा लोगों का एक तो अपना व्यायाम योगा जो भी कर रहे हैं लोग तो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। और ये जो जो पास के लोग हैं उन लोग के लिए बहुत प्लस पॉइंट है गौतम बिहार के पास। शायद उनमें भी नहीं सोचा हुआ ऐसा होगा लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ सारा चीज़ चेंज हो जाता है और चेंज होना भी चाहिए क्योंकि चेंजिंग होता है फिर कुछ अच्छा होता है। जो आपको मैं दिखाता हूँ जो योजना का जो लगा है बोर्ड और ये मेरे चलने से चलने ये आपको सारा जो गार्डन अभी जो मैं आपको झंडा दिखा रहा था ये वहाँ का कुछ है और आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ जो भारत माता का राष्ट्र तिरंगा और यहाँ पे बोर्ड पे नोटिस बोर्ड पे है जो राष्ट्र झंडा गेट यानी तिरंगे का जो है पिक्चर और वहाँ का उसका गीत सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन है। और ये हो गया स्तंभ और ये हो गया आपको दिखाता हूँ फिर एक बार तिरंगा। और मैं आपको यहाँ से देखिए मैं पास से लिया हूँ अभी और मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड के साइड में जाने से पहले आपको दिखाना ये जो
तिरंगे का है, उसके बगल में डिस्टोरेंट है, और मैं आगे चलता हूँ वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द अच्छे से सभी यहाँ की चीज़ें हैं मैं आपको दिखा दूँ। जो नौका विहार गोरखपुर, यहाँ से आप चलते हैं अगर हैं आगे तो आपको यहाँ पे रामगढ़ ताल नौकाएँ उत्तर प्रदेश पर्यटन जो आपको स्वागत करता है। और यहाँ पे इस गेट पे से आप एंट्री कर सकते हैं जो बोटिंग के लिए। और यहाँ पे जो गेट पे जो नोटिस बोर्ड है इस चीज़ को ख्याल रखते हुए COVID-19 में ये सारी चीज़ें, बोटिंग का समय कितने बजे है और चलने का समय कितने बजे है, शीतकालीन सुबह 8 से शाम 5 बजे से गाइडलाइंस हैं इसको पालन करा और स्वतंत्र रहे नहीं होती है। लेकिन गोरखपुर में देखा कि एंट्री करते हुए आप पानी पी सकते हैं। ये आपको हो गया बोटिंग, ये जो आपको मैंने बोटिंग के दिखाया वहाँ से जहाँ से आप एंट्री करते हैं तो आई लव दिस का जो व्यू आ रहा है और ये और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे जो माध्यम से कोई जानकारी लेके देख रहे हैं कि एक का जो व्यू आ रहा है इसमें आपको बहुत अच्छा लगा। जैसे कि गोरखपुर अगर आप आते हैं तो एक बार विजिट आप ज़रूर करें, उसमें आपको सारी चीज़ें जानकारी मैंने बताया। और आगे चल के मैं आपको इसका एक एक पॉइंट एक एक बात देख रहे हैं नदी के यहाँ से बोटिंग की जो बात होती है यहाँ से। और मैं अभी आपको आगे ले चलता हूँ जो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ हैं बच्चों के लिए है। ये जो पार्क में दिख रहा है आपको स्तंभ, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ आगे। और जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये टिकट काउंटर है, तो टिकट काउंटर और यहाँ से तिरंगे का सटीक नज़ारा। और यहाँ से मैं अब वापसी जाने का तैयारी कर रहा हूँ। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ के जो गेट है जो नज़ारा पानी का है, यहाँ से सीधे गोरखपुर से देवरिया बाईपास से कटते हुए चले जाएंगे बगल से ही। और आपको इस वीडियो में आगे बहुत सारा कुछ बताएंगे, तब तक की नमस्कार। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। नमस्कार दोस्तों।